डॉक्टर राघव गोयल। ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन जो जाने जाते हैं अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर राघव गोयल ने अपनी मेडिकल एजुकेशन कम्प्लीट की है KMC मणिपाल यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर राघव गोयल, यू आर वेलकम टू आवर शो। हेलो सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आजकल लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? नी रिप्लेसमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा इसलिए पड़ती है क्योंकि एक बीमारी है जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। कॉमन ये पहले भी था लेकिन अब इसका जो सेटिंग होता है, सेटिंग मतलब कि जिस उम्र में ये चालू होता है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो चुका है। जैसे पहले देखा जाता था कि ये 60 से 65 साल की उम्र के बाद चालू होता था, जबकि आजकल ये 40-45 की एज में भी देखा जा रहा है। उस केस के अंदर अपने को घुटने बदलने की जरूरत पड़ती है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? आप इसे मुझे डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, किस वजह से होता है? अगर इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको अपन घुटना घिस जाना बोलते हैं, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। अपने घुटने के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये दो बोन्स हैं जिसके बीच में जो नीला नीला आपको दिख रहा है इसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। तो अपने शुरू से इसके अंदर ये बॉडी अपने इसको फॉर्म करती है और बाद में वो डीजनरेट यानी खराब होता रहता है। और लेकिन शुरू के शुरुआती ईयर्स में तो बॉडी की उसकी जो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जो अपने आप इसको ठीक करने की कैपेसिटी होती है, वो काफी अच्छी होती है, पर आगे जाके वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो बॉडी उससे पीकअप नहीं कर पाती और वो लोगों को एक डिफरेंट एज के अंदर डिपेंडिंग ऑन देयर न्यूट्रिशन उनकी लाइफ स्टाइल उसके अकॉर्डिंगली वो कम ज्यादा करके कैसे लाइफ स्टाइल या कैसे न्यूट्रिएंट की वजह से ये हो रहा है, मतलब क्यों? मे बी आजकल वैसे भी अडल्ट्रेटेड है सारी चीजें, आजकल प्योरिटी नहीं रह गई है किसी भी फूड में या इवन हवा में भी प्योरिटी नहीं है सर। बेसिकली अपन जो ये चीज देख रहे हैं इसका कारण यही है कि पहले जो एज में सेट इन होता था 65-70-75 तब फूड एकदम अनअडल्ट्रेटेड आता था, और जैसे जैसे आजकल अपने इवन जो काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी अपने अडल्ट्रेशन हो सकता है, जिसके कारण जो एक लंबे समय तक न्यूट्रिशन अपनी बॉडी प्रोवाइड कर पाती थी उसके सारे पार्ट्स को, जैसे कि अपनी बोन्स हुई, कार्टिलेजेस हुए, तो वो अब नहीं हो पाता। इसलिए अपन बहुत बार देखेंगे कि आजकल हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं, हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि मदर इन लॉज जो है उनके पैर को उन लोग को चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं और वो अपनी डॉटर इन लॉज को अपने पैर जगह को अपने चेंज करवाने के लिए लेके आते हैं। सो 75 ईयर्स वाली जो वुमेन है दे आर वर्किंग फाइन, वो आराम से कर रही है, और हम लोग 55-60 ईयर्स वाले की ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि प्योर लाइफस्टाइल और प्योर न्यूट्रिएंट ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, वॉक्स पे जाना और बहुत ज्यादा हैवी मोशंस ना करना, ये बॉडी को एकदम टाइम टू टाइम फिट रखना बहुत जरूरी है इस चीज का देख पाने के। तो सर अभी हम अपने अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप ये ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में यही कहा था कि यू आर वेल नोन फॉर योर जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो सर आप पेशेंट्स को देखते हो, है ना, आप उनकी कंडीशंस देखते हो, ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है जब आप ये स्टेप उठाते कि हाँ सर्जरी करनी है? तो पहली बात तो अपने को ये समझना होगा कि सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सर्जरी इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन। जब अपन और सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं और उससे भी बेटर नहीं हो पाते तब अपन सर्जरी के लिए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ ये चीज है कि वो शुरू तो बहुत पहले हो जाती है लेकिन उसको अपना इफेक्ट उसका एकदम से दिखता है। जैसे वो जो प्रोसेस है वो आपने 45 ईयर अगर चालू हो गई सपोज, तो धीरे 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 करके शो होना शुरू होगी 52, तो एकदम से उसका दर्द शुरू होगा, आपके घुटने के अंदर दर्द आएगा, कुछ एक्टिविटीज स्पेसिफिकली जैसे सीढ़ी उतरना चढ़ना, नीचे आलती पालती मार के बैठना या फिर नील डाउन करना जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर काफी इसके अंदर पेन आ सकता है।
इनिशियल स्टेज में ये पेन हल्का रहता है और आगे जाके ये काफी बढ़ जाता है। कभी कभी रेस्टिंग पेन जिसको बोलता है, या बस सो रहे हो आपको तब भी दर्द हो रहा है, उठ नहीं जाता, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। ये सारे दर्द देखे पेशेंट हमको बताता है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमेशा एक्टिविटी करना या एक्सरसाइजेस, ये सारी हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक हेल्दी पार्ट है। बिल्कुल, आप वो कंटिन्यू रखेंगे तभी आपका ये चीज बेटर रहेगा, और न्यूट्रिशन साथ साथ में आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिससे इन सब चीजों के सेटल होने के चांस एकदम कम हो जाए। सर ऑस्टियो डज एक्सरसाइजेस ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस? सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर चार ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4, और ये ग्रेड्स डिसाइड करती है कि कितना कितना घिसावा है। तो 1 और 2 ग्रेड जिसके अंदर थोड़ा कम घिसावा होता है, छोटा जिसके अंदर थोड़ा सा उसका व्यायाम कम होता है, उन केसेस में हम लोग नी से स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिसमें डेफिनेटली रिजल्ट देखे गए हैं कि वो बहुत बेटर हो जाता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो घुटने घिस रहे हैं आपने, वो एक बहुत तेजी से अगर घिसने लग गया आपको, तो एक्सरसाइज उसको बंद नहीं कराएगा, उसने घिसना ही छोड़ दिया। एक्सरसाइज ये होगा कि जैसे सपोज वो पहले 100 पीस के द्वारा उसको 10 पीस, जिससे कि आपकी घुटने की लाइफ टाइम लंबी हो जाएगी। हम बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है कि पूरे जीवन में उनको रोटेशन करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आप पहले दिन में 10-12 बार चढ़ रहे थे, उसको आप 2 से 3-4 बार भी चढ़े, इससे ज्यादा नहीं। एक नीचे उकड़ू बैठना, जिसको अपन इंडियन भाषा में उकड़ू बैठना बोलते हैं, वो तो बंद करना चाहिए, और दूसरा तीसरा आधी बाधी मार के इसको भी एकदम कम से कम रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे से समझाया सर आपने। सर आप मुझे बता सकते हैं कि पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है आफ्टर सर्जरी, वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे सर्जरी के बाद? सो जो मेन जो पेशेंट की कंप्लेंट्स रहती हैं, वो ये रहती है कि सर पेन बहुत ज्यादा रह रहा है। तो पेन जो है उनको अगले दिन से पूरा पता चल जाता है कि उनका एकदम कम हो गया है, और उसके अलावा उनकी एक और चीज रहती है कि मैं सही से चल पाऊंगा या नहीं, सीढ़ी उतरना चढ़ना, ये दोनों की चीजें बहुत ज्यादा रहती है। जब ये सर्जरी होती है तो पेशेंट एनेस्थीसिया के अंदर रहता है, जिसके अंदर उसको सुन करा जाता है, तो सर्जरी में उसको बिल्कुल पेन नहीं होता। सर अभी जैसे कि पेन नहीं होता है सर्जरी करते वक्त, तो सर इसलिए मे बी एनेस्थीसिया यूज करते हैं किसी भी सर्जरी के पहले, तो सर एक और तो सर क्या सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत इसके अंदर 1-2 दिन पेन जरूर रह सकता है, किसी किसी के अंदर 5-6 दिन भी रह सकता है, पर वो बहुत मेजर पेन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जो दर्द होता है वो फर्स्ट डे रहता है, जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम जाता है, तो पेशेंट उस वाले दर्द को डबल फील करता है। तो एक दिन जरूर पेन होगा, जो भी हम सारे डॉक्टर्स उसको जो मेडिकेशन के द्वारा है वो पहले ही कंट्रोल हो जाता है, तो वो कोई पेन का इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। सर अभी जैसे कि आपने कहा कि पेन 1-2 दिन तक चलता है, सर कितना मतलब सर ये रिकवरी रेट कितनी है सर इसकी? आप सर्जरी कर रहे हो तो सर कितने पेशेंट रिकवर हो रहे हैं? हम लोग के पास आज तक जितने भी लोगों ने करवाया सबका सक्सेसफुल रहा ही नहीं। और इसके अंदर एक चीज पेशेंट के दिमाग में जरूर आता है कि मैं चलने कब से लग जाऊंगा, मुझे बेड रेस्ट कितना करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता दूँ। हम जिस हम लोग हर पेशेंट के लिए उसकी जो टेक्निक है उसको सुपरवाइज करते हैं, पहले हम लोग उसका नी देखते हैं, उसको हम लोग टेस्टिंग कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसके कौन से टाइप की सर्जरी रिक्वायर है, और जो उनके लिए बेस्ट होती है हम लोग वो चूज करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग जिस टेक्निक से करते हैं, हम लोग पेशेंट को अगले दिन के
जैसे सपोज उनका संडे को ऑपरेशन हुआ, हम लोग मंडे को ही उनको एक्सरसाइजेस, घुटने की नी बेंडिंग, ये सारी चीजें, और खड़ा होना और चलना शुरू कर दें। तो बेसिकली उससे क्या होगा कि पेशेंट है उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, वो एकदम आत्मनिर्भर है, तो अपने सारे काम खुद कर सकता है। जैसे कोई वॉशिज वगैरह काम है, तो पेशेंट की नॉर्मली शिकायत रहती है कि मैं तो उसके ऑपरेशन के बाद किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरी सेवा कोई कर पाएगा नहीं करेगा, तो वो उसको दिक्कत नहीं आती है। हम लोग उसको ऐसा तैयार करके भेजते हैं पेशेंट के अंदर ही कि वो अपने सारे काम खुद ही कर पाए, मतलब इसमें डिपेंडेंसी नहीं रहती है, डिपेंडेंसी आप बिल्कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट हो आफ्टर ट्रीटमेंट, आप बिल्कुल सारे काम खुद से कर सकते हैं। खुद से कर सकते हैं। तो सर अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना सर, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एथराइटिस, मतलब 100 से ज्यादा होंगे है ना। तो सर आप बता सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथराइटिस, मतलब शॉर्टली आप बता दीजिए जैसे क्या है। आर्थराइटिस की कोई ऐसे लिमिट तो है नहीं, पर जो सबसे कॉमन होता है वो यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, ये जो अपने जो बोन्स के अंदर जो गैप्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये किसी भी जगह पे हो सकता है। आर्थराइटिस जैसे अपन जिसकी अभी बात कर रहे थे, ये नी का आर्थराइटिस है, नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस आपके बॉडी के किसी भी जॉइंट में हो सकता है, जैसे कि हिप के अंदर है, तो हिप के अंदर अगर आपका रिड्यूस हो गया, अपना आर्थराइटिस आपने सेटिंग कर गया, तो आपका हिप का मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा। वैसे ही आपके स्पाइन के अंदर भी हो सकता है, शोल्डर के अंदर भी हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये चीज हो सकती है। और एक और टाइप होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज मोर टुवर्ड्स अ मेडिकल कंडीशन, इसके अंदर भी आपकी जो हड्डियां हैं वो अलग तरीके से उसके अंदर ग्लूटेन गेम का चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी पेनफुल कंडीशन होती है, और ऐसे कर करके अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। सो सर थैंक यू, आपने एथराइटिस के बारे में हमें इतना अच्छे से बताया कि जो भी इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं है ना। सर बेटर ट्रीटमेंट क्या है सर, अगर हम सर्जरी के पहले देखा जाए, मतलब बिफोर नी रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द बेटर ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस? देखिए सबसे पहले तो अपने को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करनी चाहिए, ठीक है। किसी भी कंडीशन के लिए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। आजकल बहुत लोग काफी अग्रेसिव हो चुके हैं सर्जरीज को लेकर। पहले पेशेंट को हमेशा मेडिकल मैनेजमेंट और जो एक्सरसाइज के थ्रू मैनेजमेंट होता है वो देना चाहिए, बाकी सर्जिकल। तो उसके अंदर हम लोग पहले पेशेंट को कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी और उनके अलावा थोड़ा मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे विटामिन डी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अपना सही से जनरेशन हो सके बोलना, ठीक है। और साथ में हम लोग उनको प्रिकॉशंस बताते हैं और साथ में उनको नी स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे कि ये कंडीशन बेटर हो सके। उसके अलावा पेशेंट को ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज तेज चलना, नॉट जॉगिंग, नॉट रनिंग, नॉट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिससे ये भी बेटर की तरफ जाती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन वेट रिडक्शन। सो जो पतले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर गेजेस कम है कंपेयर्ड टू द ओल्ड सम, तो डेफिनेटली ब्रिस्क वॉकिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा जो हमने प्रिकॉशन आपको बताई, जैसे कि आपके पास भी आके बैठना, सीढ़ी कम उतरना करना, ये सारी चीजें इसके अंदर हेल्प करती है। तो पहले इनका मेडिकल मैनेजमेंट ही होगा। हम लोग इस तरीके से एक्सरसाइज बताते हैं उनको कि हमारे 60-70% पेशेंट जो ग्रेड 1-2 में है, एंड इवन कई तो बहुत सारे ग्रेड 3 वाले भी, वो बिना सर्जरी के ही पूरे अच्छे करने लगे थे। तो सर अभी हमने जैसे कि एथराइटिस पे काफी डिस्कस कर लिया है ना ये इस पे, तो सर अभी आप मुझे बताइए कि एक हेल्दी बोन, बोन को हेल्दी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर? जैसे कि आजकल लोग सप्लीमेंट्स को लेके काफी ज्यादा वो हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि ये सब विटामिन डी खाने से ये होता है, विटामिन D3 खाने से ये होता है, और कोलेजन खा रहे हैं आजकल लोग, सर बताएंगे सर? नॉट वेल अवेयर अबाउट इट। बिल्कुल, तो पहली बात तो कोई भी सप्लीमेंट हम लोग बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप बिना किसी के सुपरविजन के लें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो किस क्वालिटी के हैं। पता चला आप कोई अच्छी चीज के लिए ले रहे हैं और उसी ने आपके अंदर कोई साइड इफेक्ट कॉज कर दिया। सो डेफिनेटली आप जब भी ये कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं,
योर डॉक्टर और समवन हू यू ट्रस्ट ऑलवेज गेट एडवाइस फ्रॉम योर हेल्थ केयर एडवाइजर एग्जैक्टली एंड द प्रोडक्ट शुड बी वेल ट्रस्टेड. ये नहीं कि आपने कोई सा प्रोडक्ट ले लिया, हो सकता है वो आपके अंदर कोई मे बी आप उसके एलर्जी को एग्जैक्टली तो सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए. सारे सप्लीमेंट्स हम लोग इसके अंदर ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने को पता नहीं उसके अंदर कैसा वर्कआउट करेगा. और सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा अगर अपन लंबे समय के लिए लेते हैं बिना किसी सुपरविजन के तो कभी कभी वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, इसके अंदर अपने को फिर आगे दिक्कत हो सकती है. तो सही टाइम पे सही समय के लिए और सही मात्रा में सही क्वांटिटी के अंदर आपको सप्लीमेंट्स लेना तभी इसका इफेक्ट आएगा. उससे बाद भी हम लोग बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स आपको एडवाइस नहीं करेंगे. थोड़े बहुत जैसे विटामिन बी की हुआ, कई कई लोगों के विटामिन बी की कमी होती है जैसे कि वेजिटेरियंस के अंदर स्पेशली, उन केसेस में हम लोग आपको थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स देते हैं पर बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स नहीं देते. तो सर जैसे कि अभी सप्लीमेंट से मेरे दिमाग में आया कि फीमेल्स को लेके, फीमेल्स को काफी ज्यादा इशू होता है बोन्स का कि आफ्टर 30 उनके बोन में डीजनरेशन चालू हो जाता है. सो बेसिकली जो डीजनरेशन है वो मेल फीमेल दोनों के अंदर ही चलता रहता है पर फीमेल्स के अंदर ही यूजुअली 45 इयर्स की एज के बाद ये डीजनरेशन और फास्ट हो जाता है. 25-30 के बाद शुरू होता है ये थोड़ा स्पीड से पकड़ता पर 40-45 के आसपास इसको हम लोग मेनोपॉजल एज बोलते हैं. ठीक है, जब मेनोपॉजल के शुरू होते हैं उसके आसपास बोन्स और ज्यादा तेज लीक होना शुरू होते हैं क्योंकि अपने उनके अंदर डिस्ट्रोजन कम हो जाता है. उस कारण से उनके बोन्स एक ज्यादा स्पीड से लीक होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारियां ज्यादा जल्दी फैल जाती है. तो सर अभी जैसे कि बोलते हैं ना कि डेली बेसिस पे दूध पीना मतलब काफी अच्छा होता है हमारे बोन्स के लिए, तो इवन मम्मियां भी कहती हैं कि दूध पिया करो, दूध पिया करो, है ना. मिल्क इज द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. तो सर जैसे मिल्क है तो सर ऐसे कौन से सोर्स हैं गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम सर? टू बी वेरी फ्रैंक जो सोर्सेज है उन सारे सोर्सेज में बहुत ज्यादा उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है एंड एब्जॉर्प्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना. तो ऐसा नहीं कि आप कोई मिल्क पी रहा है तो उसके ये चीज सडन होगी, क्योंकि अगर बचपन से किसी के अंदर क्वांटिटी सही रही है तो फिर वो बेटर कंपेयर टू अदर्स रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के ऑस्टियोआर्थराइटिस सेटल कर गया उसके बाद उसको अपन ने मिल्क देना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया उससे वो सही होने की तरफ जाएगा, उसका कैंसर बढ़ जाएगा. उनको अगर आपने शुरू से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखी है, आपने एक्सरसाइजेस करी है, बेसिकली एक्सरसाइजेस से ही आपकी जो बॉडी में स्ट्रेंथ आती है भले ही वो मसल्स की स्ट्रेंथ हो या फिर बोन्स की स्ट्रॉन्ग हो स्ट्रेंथ हो वो सारी एक साथ ही वर्कआउट करती है. एंड फिटनेस इज नॉट अ वन डे थिंग, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस. यस, तो आपको उसको शुरू से ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये नहीं एक दो दिन की बात, एक दो दिन कर लिया फिट हो गए बस हो गया, ऐसा नहीं चलता. तो सर अभी जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली सुना था, मतलब रिसेंटली मैंने स्टडी किया था एक वेबसाइट पे कि स्टेरॉइड इंजेक्शन से काफी लोगों को हिप्स पे इशू आया है सर. तो सर वो क्या है एग्जैक्टली, क्या है वो डिसऑर्डर? सो इसको हम लोग एवियन के नाम से जानते हैं. सो एवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप बोन. तो स्टेरॉइड की वजह से क्या होता है कि हिप के अंदर अपने हिप इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट होता है. तो उसके अंदर क्या रहता है, एक सॉकेट रहता है जिसके अंदर बॉल होती है जिसकी वजह से आपका पूरा मूवमेंट होता है. अब इस वाली बीमारी के अंदर ये जो गैप है जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो ये ऐसे करके इसको हम लोग एवियन बोलते हैं जो कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है. ठीक है, अब ये जो चीज है इसके अंदर आप लोग को ये स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत ज्यादा देखा गया है आजकल, क्योंकि कोरोना में आजकल अभी एक दो साल पहले जब कोरोना चल रहा था इसके अंदर ही इंजेक्शन काफी ज्यादा लोगों को लगे, उसके बाद ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ गई है और लोग को आजकल जो हिप रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट 50 साल 60 साल 70 साल में होगी, हमने आजकल हमने 25 ईयर 30 ईयर इन सब को इसके अंदर नोटिस किया है. तो सर एज फैक्टर सर अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है एज फैक्टर,
बोलते हैं कि लोग, इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं किसी भी बीमारी का एज नहीं रहा है, कभी भी किसी को कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, किसी का भी पेन हो रहा है, किसी को फुट में पेन हो रहा है, किसी को नी में पेन हो रहा है, किसी को एल्बो जॉइंट में पेन हो रहा है। सर ये क्यों सर, मतलब अचानक से, मतलब एक होता है ना सर, मतलब हमारे जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, मतलब उनकी एज, उनकी जीने की जो एज रही है 93, 105, ऐसे ऐसे साल तक वो जीते हैं। बट आजकल मेरे ख्याल से ये बोलते हैं कि अगर आप 60 साल तक भी सरवाइव कर गए, इट्स अ बिग थिंग। सर आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? सो इसमें बेसिकली अपन फर्स्ट पॉइंट हमेशा न्यूट्रिशन का रखते हैं, और अपन न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे। यस सर, विल कम टू अदर पॉइंट्स। यस, तो पहले लोग सारा काम खुद करते थे, ठीक है। आजकल लोग की लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी, यानी कि बैठे बैठे सारी चीजें करना शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली वो लोग फिट तो कैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो मेजर कॉज हम लोग देख रहे हैं जिसकी वजह से सर्वाइवल कम होते जा रहा है, दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज वन थिंग विच कॉजेस ऑल द अदर प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से अपने को सारी बीमारियां, उसकी वजह से अपन बहुत सारी इवन डेथ तक अपन ज्यादा देखने लग गए लोग की, क्योंकि अर्ली एज में सेटिंग हो रही है। तो सर ऐसा देखा जाए तो स्ट्रेस ना कि मेंटल इशू क्रिएट करता है, इवन आपका फिजिकल इशू पे भी इफेक्ट करता है, फिजिकली भी आपको इफेक्ट करता है, am I right? Mentally and physically both. Okay. And even आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका सोशल एनवायरनमेंट है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। सो स्ट्रेस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक व्हिच आई बिलीव कि आपको पूरा उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, पर लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर गोयल ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है, उसके क्योर क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है। तो आप, अगर आप डॉक्टर गोयल से मिलना चाहते हैं पर्सनली, डू विजिट हिज हॉस्पिटल, इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बिलो। थैंक यू सो मच। अगर और आपको कोई भी इशू है या कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है जो आप डॉक्टर गोयल से पूछना चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स पे आप आके पूछ सकते हैं।